हेलो दोस्तों, मैं हूं माविर सिंह शेखावत और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हिप हॉप के दो अमेजिंग स्टेप्स, वो स्टेप्स हैं ये वाले। तो इन स्टेप्स को सीखने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इन स्टेप्स को काउंटिंग पे भी बताया हुआ है और विथ म्यूजिक भी बताया हुआ है ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ में आए। इसी टाइप के और भी बहुत सारे पार्ट्स अपलोड है चैनल पे, 1 से लेके 12 तक कंटिन्यू जो आ रहे हैं। ये वाला 12 पार्ट है, इससे पहले 5 से लेके पार्ट 12 तक कंटिन्यू हिप हॉप ग्रूव के ही स्टेप्स है, जो हिप हॉप ग्रूव भी है। और आप चाहो तो इन स्टेप्स को कहीं पे भी अगर कोई कोरियोग्राफी कर रहे हैं सॉन्ग की तो उसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मेरा साथ देंगे प्रदीप जी चौहान, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अपन में क्या करना है, जो फर्स्ट वाला स्टेप है जो लेग के वेक्शन है वो अपन को क्लियर करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा किक करना है, ठीक है। ऐसे पहले राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, ऐसे कंटिन्यू आपको किक करना है, ठीक है। ऐसे स्लो स्लो किक करना। जब ऐसे किक करने लग जाओ तो एक पैर से किक कर रहे हो तो दूसरा वाला पीछे की तरफ स्लिप करना है। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 और थोड़ा सा थाई से भी पैर को कंट्रोल करना है। जैसे जैसे आपकी किक कंप्लीट होती है उसके बाद में आपको क्या करना है, फर्स्ट आप कैसे भी खड़े हो, जैसे ऐसे खड़े हो, पैर खुले खड़े हो, कैसे भी खड़े रह सकते हो। अपन अभी इस वाले स्टेप में ऐसे खड़े हैं पैर बंद। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, राइट वाले से किक करना है 1, ठीक है। जब राइट वाले को किक करते हो तो हील को टच कर देना है फर्स्ट, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 1, ठीक है। जैसे अपन ने राइट को किक किया वैसे ही लेफ्ट को किक करना है, लेकिन शोल्डर का डायरेक्शन थोड़ा सा राइट साइड करके चेंज 2, ठीक है। फिर से वापस से राइट वाले पैर से लेफ्ट हैंड साइड किक करना है 3, और 3 में रुक जाना है। उसके बाद में 4 में पैर को अप करके और वापस किक करना है 4 and 4, और थोड़ा बॉडी के साथ 4। जैसे अप किया फिर जब किक करोगे तो लेफ्ट से पीछे जाना है, ये 4 इस तरीके से। तो ऐसे 4 काउंट करना है, रेडी। 5, 6, 7, 8, 1 and 2 and 3 and 4, रेडी। 5, 6, 7, 8, 1 and 2 and 3 and 4। अब जैसे आपने 4 किया, ठीक है, राइट लेफ्ट राइट राइट, वैसे ही आपको लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट लेफ्ट को किक करना है ये 5, फिर वापस से राइट को ये 6, और 7, 8 में वैसे ही करना है स्टॉप एंड बाउंस। इस तरीके से आपको 8 टाइम तक काउंट करना है। 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 4 and 5, 6, 7 and 8, ऐसे एकदम स्लो काउंट करना है। जितना स्लो करोगे उतना क्लियर होगा, जैसे जैसे क्लियर होता है फिर फास्ट कीजिए। 5, 6, 7, 8 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7, 8। तो इस तरीके से ये वाला जो मूव है एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इस वाले मूव को अपन म्यूजिक पे करते हैं। 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से ये वाला मूव जो आपको क्लियर करना है, इसमें आप हैंड मूवमेंट कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी फ्री स्टाइल कर सकते हो। जितना आप लेग क्लियर करोगे उतना हैंड मूवमेंट अपने आप होने लग जाएंगे, ठीक है। फिर जैसे ही अपन ने लास्ट किया, ठीक है, इनको आप कंटिन्यू में भी कर सकते हो और सिंगल सिंगल भी कर सकते हो। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपको क्या करना है, पहले आपको मैं नॉर्मल सा स्टेप बता देता हूँ, फिर बता दूँ इसको मैच कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट अपन को पैर खोल के खड़े हो जाना है सेकेंड वाले स्टेप में। फर्स्ट राइट को किक करना है इस तरीके से 1, खड़े खड़े, फिर लेफ्ट को किक करना है 2, फिर राइट को किक करना है 3, और एक बार और करना है 4, राइट लेफ्ट राइट राइट, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 4, डबल राइट लेफ्ट राइट राइट, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 and 4। अब जैसे राइट लेफ्ट राइट राइट किया वैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, 5, 6, 7, 8, लेफ्ट राइट
लेफ्ट एंड लेफ्ट, ठीक है। किक करते ही पैर को रख देना, जैसे कि वन चेंज, टू चेंज, थ्री और हाफ में इसमें नहीं रखना है, चेंज फोर एंड फाइव एंड सिक्स एंड हवा में सेवन एंड एट। और जब किक कर रहे हो तो पैर को थोड़ा बैक करके किक करना है, फाइव सिक्स सेवन स्टार्ट, वन टू थ्री एंड फोर एंड फाइव सिक्स सेवन एंड एट। जब आप किक कर रहे हो, जैसे राइट से किक कर रहे हो तो लेफ्ट वाला पैर को पीछे की तरफ पुश करना, ऑपोजिट लेग बाउंस करना है, फाइव सिक्स सेवन स्टार्ट, वन एंड टू एंड थ्री थ्री फोर, ठीक है। अब थ्री थ्री फोर कैसे करोगे, जैसे कि अपन ने किक किया थ्री, उसके बाद वापस पास में जाना है, थ्री एंड फोर, रिपीट, फाइव सिक्स सेवन स्टार्ट, वन टू थ्री थ्री फोर, करेक्ट, फाइव सिक्स सेवन स्टार्ट, राइट लेफ्ट राइट एंड राइट। अब जैसे राइट लेफ्ट राइट राइट किया वैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, फाइव सिक्स सेवन स्टार्ट, वन टू एंड स्टॉप, फिर वापस पास में जाना है, जब और किक करना है फोर, अगेन लेफ्ट, फाइव सिक्स सेवन स्टार्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट। इस तरीके से स्लो स्लो काउंट करके लेग को क्लियर करना है, हैंड मूवमेंट आप कुछ भी कर सकते हो, फ्री स्टाइल, फाइव सिक्स, अभी पूरा करते हैं, राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, फाइव सिक्स सेवन स्टार्ट, वन टू थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन एट, ठीक है। इसके साथ बॉडी क्या करनी है, जो लेग किक कर रहे हो उसके ऑपोजिट में थोड़ा बैंड करना है, ठीक है, बैंड करके हाई से किक करना है एकदम फ्री, फाइव सिक्स सेवन फाइव एंड वन एंड टू एंड थ्री थ्री फोर एंड फाइव एंड सिक्स एंड सेवन सेवन एट, ठीक है। इस तरीके से स्लो स्लो काउंट के इसको क्लियर करना है, जितना आप काउंट करोगे उतना ही थोड़ा स्टाइलिश होगा। तो इस वाले मूव को भी अपन म्यूजिक पर करते हैं, फाइव सिक्स सेवन स्टार्ट, वन टू थ्री थ्री फोर, फाइव सिक्स सेवन एट एंड वन एंड टू एंड थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो इस वीडियो में हमने सीखे हिप हॉप ग्रूव के दो स्टेप्स, आपको ये स्टेप्स कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं इसी टाइप के स्टेप्स आपके कुछ फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी सीखे तो उनको शेयर भी कीजिए, और कमेंट करना ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये स्टेप्स कैसे लगे, और आपको और किस टाइप के डांस सीखने हैं वो भी मुझे कमेंट कीजिए, मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूले, और वीडियो को सॉरी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्यूटोरियल है, जिसमें हिप हॉप के ब्लॉग भी है, बॉलीवुड स्टेप्स भी है, और फुल सॉन्ग्स पे भी कोरियोग्राफी की हुई है, तो भी आप आराम से सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन सब स्टेप्स की आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।